दोस्तों काफ़ी रात हो चुकी है और हम लोग रुके हुए हैं, एक सरकारी आवास बन रही है उसी में हम लोग रुके हुए हैं। ये यहाँ पे मजदूर हैं और हमारा खाना बनना स्टार्ट हो चुका है और काफ़ी एडवेंचरस है कि हम लोग ऐसी जगहों पे रुके हैं, लाइफ में फर्स्ट टाइम रुके हुए हैं, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा अंधेरा हो गया था और बारिश हो रही थी, बाहर का मौसम बिल्कुल ख़राब था। हम लोगों ने आगे जाना समझा ही नहीं सही, क्योंकि आगे कुछ वैसे भी काफ़ी दूर तक कुछ नहीं था और रास्ता तो बारिश में बरसात में तो इधर काफ़ी ज़्यादा डेंजरस हो जाता है कि अंधेरा भी बहुत ज़्यादा है तो आपको कुछ पता भी नहीं चलेगा क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। बट खाना अच्छे से बन रहा है हमारा, तो खाना बनने के बाद मैं आपको कमरा भी दिखाता हूँ कि हम लोग कहाँ पर रुके हुए हैं आज। तो बहुत ही प्यारा कमरा है, मैं आपको दिखाता हूँ। खाना बन के तैयार है और यहाँ पर ठंड भी काफ़ी ज़्यादा है, तो आग जला लिया है अपने लिए और खाना ख़त्म करते हैं, उसके बाद आपको मिलते हैं। ये हमारा बेड है और जो कैंप में यूज़ होता है, लेकिन यहाँ पे कैंप नहीं लगा सकते हम लोग, तो हम लोगों ने इस बेड को ही हवा भर भर के फुला लिया है और हमारा कमरा एकदम नया नया सा बना हुआ है। कुछ इस प्रकार हमारा कमरा है, आज हम लोग यहीं पे रुकने वाले हैं। कमरा मैंने आपको दिखा दिया, आज का हमारा कमरा क्या है, बहुत एडवेंचरस है। तो अभी के लिए बाय बाय, गुड नाइट, गुड मॉर्निंग। जब से हम लोग निकले हैं बारिश हो रही है, तो आपको गंगोत्री पहुँच के ही ज्वाइन करते हैं। हे एवरीवन, गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका मेरे एक और नए ब्लॉग में। इस वक्त मेरे पीछे आप देख सकते हैं माँ गंगोत्री का टेंपल है, यानी कि हम लोग हैं इस वक्त गंगोत्री धाम में और हम उन्हें प्रसाद ले लिया है। तो चलिए गंगोत्री माता के दर्शन करते हैं और उसके बाद आपको मैं ज्वाइन करता हूँ। दोस्तों हम लोगों ने गंगा माता के दर्शन कर लिए हैं, काफ़ी अच्छा दर्शन रहा, तुरंत हम लोग गए, तुरंत दर्शन मिल गया और कुछ देर रुकने को मिल जाता है। तो इस समय तो मेरे हिसाब से, तो अगर आप लोग जुलाई अगस्त में सितंबर में आते हो तो ये बेस्ट टाइम होता है आराम से दर्शन पाने का और अच्छे तरीके से दर्शन पाने का। दोस्तों हम लोग परसों बद्रीनाथ से निकले थे, पूरे दिन यहाँ पे बहुत बारिश हो रही है, लैंडस्लाइड बहुत ज़्यादा हो रहा है, लेकिन हम लोगों को एकदम सेफ हैं, बिल्कुल रास्ता है, हर कोई सेफ ही है, बट बारिश हो रही है, रात को बारिश ज़्यादा हो रही है, तो लेकिन दो दिनों से इधर दिन में भी बारिश काफ़ी हो रही है। तो हम मैं कुछ सूट नहीं करवाया पूरे दिन में, क्योंकि बारिश हो रही थी, हम लोग बाहर निकले, पूरे दिन ट्रैवल ही किया हम लोगों ने। बस हम रात में जहाँ पर रुके थे वो एक सरकारी आवास बन रहा था, तो हम लोगों ने वहाँ पर स्टे किया था, वहाँ पर हम लोगों ने खाना बनाया, कैंपिंग की, तो उसकी वीडियो मैं आगे में दिखा दूंगा आपको। एंड उसके बाद नेक्स्ट डे यानी कि कल हम लोगों ने पूरे दिन ट्रैवल किया, बहुत बारिश हो रही थी, तो मैंने कुछ वीडियोस जो बनाए हैं बारिश के वो भी मैं आगे की वीडियो में आपको दिखा दूंगा। कल हम लोग गंगोत्री हैं और गंगोत्री में आके मैंने वीडियो शूट की, कमरे की वीडियो शूट की, हम लोगों ने कमरे में खाना बनाया और कमरे का रूम टूर दिया, वो सब आगे की वीडियो में आपको देखने को मिल जाएगी। तो कृपया वीडियो से बने रहें और वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख दें जय माँ गंगोत्री। दोस्तों गंगोत्री धाम हम लोग आ चुके हैं, सुबह के ही निकले हुए थे और पूरे दिन आज बहुत बारिश हुई है, तो मैं कुछ भी बिल्कुल शूट नहीं कर पाया, दिखा नहीं पाया। तो इस वक्त हम लोग होटल आ चुके हैं, ये पुराना वाला होटल है जो लास्ट टाइम में आया था, तो वहीं पे रुका था और ये गंगोत्री धाम जाने वाला रास्ता। दोस्तों हम लोग गंगोत्री में आ चुके हैं, गंगोत्री में कमरा ले लिया, कमरा कुछ इस प्रकार का है, चलिए अंदर दिखाता हूँ मैं। ट्रिपल बेड है, एक ये बेड, ये डबल बेड, विंडो है, आप ओपन करोगे तो जस्ट आप सड़क पर चले जाओगे। बैठने के लिए हम लोग का लगेज रखा हुआ है, यहाँ पे कुछ सामान वामान रख सकते हो, सॉकेट पीछे लगा हुआ है, दोनों साइड पे सॉकेट है। बाथरूम दिखाता हूँ, बाथरूम भी अच्छा है और सबसे बड़ी बात गीज़र है और गीज़र 24/7 है, क्योंकि यहाँ पे ठंड बहुत ज़्यादा होती है, इस समय भी टेम्परेचर काफ़ी लो है। होटल के कमरे में हमारा खाना बन रहा है और क्या बन रहा है, ये बन रही है आलू भरी हुई पूड़ी या कचौड़ी, आप जो भी बोल सकते हो, तो काफ़ी डिलीशियस है, तो देखने में तो काफ़ी अच्छा लग रहा है बट बनने के बाद तैयार होता है, तो इसको खाते हैं और फिर एंजॉय करते हैं। हमारी आलू वाली कचौड़ी बिल्कुल तैयार है, काफ़ी डिलीशियस लग रही है, तो खाने के बाद ही आपको मिलता हूँ मैं। दोस्तों हम लोग गंगोत्री के इस होटल का मैंने रूम टूर दे दिया है और ये होटल कितने का पड़ा है, ये पड़ा है मुझे 1000 रुपये का। अब हम लोग कितने दिन यहाँ रुकने वाले हैं इसका तो मुझे नहीं पता है, अभी तो आज ही मैं अभी थोड़ी देर पहले आया हूँ, और चलिए कल हम लोग दर्शन करने जाएंगे। तो आपको अभी के लिए गुड नाइट, बाय बाय बोलता हूँ, कल मॉर्निंग में आपको मिलूँगा मैं। हे एवरीवन, गुड मॉर्निंग, हम लोग निकल चुके हैं गंगोत्री धाम दर्शन के लिए, तो चलिए गंगोत्री धाम पहुँचते हैं और दर्शन करने के बाद आपको ज्वाइन करते हैं। दोस्तों हम लोगों ने गंगा माता के दर्शन कर लिए हैं, काफ़ी अच्छा दर्शन रहा, तुरंत हम लोग गए, तुरंत दर्शन मिल गया और कुछ देर रुकने को मिल जाता है। तो इस समय तो मेरे हिसाब से, तो अगर आप लोग जुलाई अगस्त में सितंबर में आते हो तो ये बेस्ट टाइम होता है आराम से दर्शन पाने का। जय माँ गंगोत्री। दोस्तों गंगा माता का टेम्पल काफ़ी प्यारा है, हम लोग कोशिश करेंगे कि शाम की आरती में हम लोग शामिल हो सकें, शाम को हम आ सकें, तो पूरी कोशिश रहेगी कि हम आरती में शामिल हो और आपको भी आरती में शामिल होने का मौका दें और आपको भी शामिल करें। दोस्तों इस वक्त मैं भागीरथी नदी के किनारे आ चुका हूँ गंगोत्री धाम में। देखिए प्रवाह, देखिए कितना तेज़ है, कितनी तेज़ साउंड आ रही है। जब मैं मई में आया था तो इतना तेज़ नहीं था, इस वक्त काफ़ी तेज़ प्रवाह है। दोस्तों हम लोग आ चुके हैं प्राचीन भागीरथ तपस्थली, यहीं पर भागीरथ जी ने तपस्या की थी, ये वही स्थान है।
चलिए हम आपको, हम भी दर्शन करते हैं और आपको भी दर्शन करवा देते हैं। हम लोग दर्शन कर रहे हैं, आगे चुके हैं सूर्यकुंड। लास्ट टाइम आया था तो बिल्कुल ही ऐसा दृश्य नहीं था, इस वक्त काफ़ी ये डेंजरस है और काफ़ी तेज़ प्रवाह हो रखी है। बहुत ही औसम व्यू आ रहा है, सूर्य की पहली किरण धरती पे यहीं पे पड़ती है तो इसीलिए इसका नाम सूर्यकुंड है। ओम नमः शिवाय शिवालय। आरती समाप्त हो चुकी है, सारे भक्त लाइन में लग गए हैं माता के दर्शन के लिए, तो चलिए हम लोग भी जल्दी से लाइन में लग जाते हैं और दर्शन प्राप्त करते हैं। दोस्तों हम लोग शाम को आरती करके और दर्शन करके यहाँ पे आ चुके हैं अपने होटल में। वैसे कल हम लोग का प्रोग्राम हरसिल जाने का है। हे एवरीवन, गुड मॉर्निंग, एक नया दिन। इस वक्त हम लोग निकल चुके हैं हरसिल वैली के लिए जो काफ़ी खूबसूरत है। मैं काफ़ी दिनों से सोच रहा था हरसिल वैली आने के लिए लेकिन आ नहीं पाता था, इस बार आया हूँ तो सोचा कि चलो घूमते हैं हरसिल वैली को, ये काफ़ी खूबसूरत जगह है। तो चलिए थोड़ी देर यहाँ पे रुकते हैं और इसको एक्सप्लोर करते हैं। दोस्तों इस वक्त हम लोग हरसिल गांव में हैं, काफ़ी प्यारा गांव है ये हरसिल वैली। चलिए यहाँ पे लक्ष्मी नारायण टेम्पल है, वहाँ को चलते हैं और वहाँ पहुँच के आपको ज्वाइन करते हैं। बहुत ही प्यारा है जगह ये। हरिप्रयाग श्री लक्ष्मी नारायण मंदिर स्थापना मई 1818 में हुई थी हरसिल रिट्रीट। चलिए अंदर चलते हैं। दोस्तों आपने हरसिल के एप्पल्स के बारे में तो सुना ही होगा, काफ़ी फेमस होते हैं। देखिए एप्पल्स के बगान हैं ये, कितने प्यारे प्यारे एप्पल लगे हुए हैं, अभी रेड भी हो चुके हैं, ग्रीनरी भी है और काफ़ी सारे हैं। दोस्तों अगर आप इधर आ रहे हो, गंगोत्री आ रहे हो, तो एक दिन के लिए हरसिल समय निकाल के ज़रूर आओ, आपको बहुत ही अच्छा लगेगा। बहुत ही शांत वातावरण है यहाँ का और ये आर्मी कैंप के बीच में बसा हुआ जगह है और बहुत ही खूबसूरत जगह है। सामने देख रहे हैं आप लक्ष्मी नारायण टेम्पल और रास्ता देखिए कितना प्यारा है, पीछे पहाड़ियाँ और दोनों साइड में पेड़ पौधे लगे हुए हैं, एप्पल लगे हुए हैं, गार्डन बना हुआ है, बहुत ही अच्छा है। जय शिव शंकर भोलेनाथ की, हर हर महादेव, हर हर महादेव। मंदिर के पास गार्डन देखिए, कितने सारे फ्लावर्स लगे हुए हैं और ये अब व्यू देखिए, लुक एट दिस व्यू, ऑसम, जबरदस्त, जिंदाबाद। दोस्तों आपने ये एप्पल तो बहुत ज़्यादा खाया होगा, चॉकलेट वाले एप्पल काफ़ी प्यारे टेस्ट में होते हैं। ये हरसिल वैली में पाए जाते हैं, हरसिल वैली के फेमस एप्पल हैं, यहाँ पर बहुत ज़्यादा हैं। ये देखिए भागीरथी नदी, हम लोगों ने दर्शन लक्ष्मी नारायण के, शिव शंकर भोलेनाथ के और माता के दर्शन कर लिए हैं। अब हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं मुखवा गांव के लिए, चलिए वहाँ पहुँची आपको ज्वाइन करता हूँ और रास्ते में अच्छे अच्छे व्यू भी आपको दिखाता हूँ। हिमालयन नेचर रिजॉर्ट के बीच में ये बसा हुआ है मंदिर, इसके पीछे मंदिर है, भागीरथी नदी किनारे आप यहाँ पे आके स्टे भी कर सकते हो। दोस्तों इस वक्त मैं हूँ हरसिल में और काफ़ी सुंदर जगह है ये। अगर आपको एक दो दिन के लिए शांति की ज़रूरत है और आपको बहुत ही अच्छा ऑफबीट प्लेस चाहिए जो बिल्कुल शांत हो, सिर्फ नेचर के बीच में हो, तो आपको हरसिल आना ज़रूर चाहिए। मेरे पीछे का नज़ारा देख रहे होंगे, काफ़ी प्यारा है। आवाज़ थोड़ी सी मैं लाउडली बोल रहा हूँ क्योंकि नीचे भागीरथी नदी बह रही है जो काफ़ी तेज़ साउंड कर रही है। तो हम लोग थोड़ी देर यहाँ पे रुकने वाले हैं और थोड़ा सा एक्सप्लोर करने वाले हैं हरसिल को, तो चलिए हरसिल को एक्सप्लोर करते हैं। दोस्तों इस वक्त हम लोग आ चुके हैं मुखवा गांव जो हरसिल से तकरीबन 2 से 3 किलोमीटर ऊपर पड़ता है और यहाँ पे ये गंगा माता का मायका भी है जो शीतकालीन निवास स्थान है ये माता का। तो चलिए माता के दर्शन करते हैं और इस व्यू को देखिए कितना प्यारा व्यू आ रहा है, बहुत ही ज़बरदस्त व्यू है। तो चलिए हम लोग माता के मंदिर को चलते हैं।
मुखी मठ मुखवा दर्शनीय स्थल। यहाँ पे अगर आपके देखिए यहाँ पे दूरी लिखी हुई है, भीमगंगा 400 मीटर, मातृ पीक 500 मीटर। तो चलिए अब अंदर चलते हैं, माता के दर्शन करते हैं। दोस्तों हम लोग मुखवा गांव माता के दर्शन करने के लिए आए थे, लेकिन यहाँ मंदिर बंद हो चुकी है क्योंकि सुबह 10 से 1 बजे तक और शाम को 4 बजे से मंदिर ओपन होता है। तो हम लोग लेट आए क्योंकि 2 बज रहा है, तो हम लोगों ने बाहर से मत्था टेक लिया है और हम लोग यहाँ से अब मार्कंडेय ऋषि के मंदिर को जा रहे हैं। चलिए वो देखते हैं, वहाँ पहुँच के आपको दिखाते हैं कि वो भी खुला है या बंद हो चुका है, जैसा होगा मैं आपको अपडेट कर दूंगा। दोस्तों मैं गंगा माता के तो दर्शन नहीं हुए, लेकिन सोमेश्वर देवता के दर्शन हो चुके हैं। चलिए अब यहाँ से मार्कंडेय ऋषि के मंदिर की ओर निकलते हैं। हम लोग ट्रैक कर रहे हैं, 1 किलोमीटर का ट्रैक है गंगोत्री माता के टेम्पल से मार्कंडेय ऋषि का मंदिर। चलिए मंदिर पहुंच के मैं आपको ज्वाइन करता हूँ। आपको पूरे रास्ते एप्पल के पेड़ बहुत मिलेंगे, हरसील में एप्पल्स बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं। 1 किलोमीटर का ट्रैक करके हम लोग आ चुके हैं मार्कंडेय ऋषि के टेम्पल। तो चलिए मंदिर के अंदर चलते हैं और उनके दर्शन करते हैं। दोस्तों आज सुबह हम लोग हरसील गांव आए और फिर मुखवा गांव आए और माता गंगा के टेंपल गए, जो शीतकालीन निवास स्थान है माता का। तो माता के तो दर्शन हमें नहीं हुए क्योंकि हम लोग लेट हो चुके थे। फिर हम लोग मार्कंडेय ऋषि के टेंपल है, वहां पे हमें दर्शन प्राप्त हो गए। तो हम इस ब्लॉग को यहीं पे ख़त्म कर रहे हैं। आई होप आपको ये ब्लॉग पसंद आई होगी। अगर ब्लॉग पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो आगे आने वाले और वीडियोज़ के लिए। और किसी भी क्वेश्चन के लिए आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो भी कर सकते हैं।